आप लोगों को पता होगा आधार कार्ड आज की डेट में हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई भी सरकारी काम या प्राइवेट काम, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो काम आपका नहीं होगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। हमें कई बार नहीं मालूम होता कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और कौन सी ईमेल आईडी हमारी रजिस्टर्ड है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने आधार में अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं और अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज की डेट में जितना आधार कार्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप अपने आप ही खुद से इस बात को चेक कर सकते हैं या बोलिए कि वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर कौन सा है और कौन सी आपकी ईमेल आईडी है। तो हम आपको सीधा ले चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले फ्रेंड, आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर लेंगे तो आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल को नीचे करना है और नीचे करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधार सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, प्लीज एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स टू वेरीफाई ईमेल और वेरीफाई मोबाइल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने आधार कार्ड में दिया था वो डालना है, उसके बाद आपको ये जो सिक्योरिटी कोड है वो डालना है, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, आधार नंबर डाल लिया है, मोबाइल नंबर डाल लिया है और एंटर कैप्चा इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए द मोबाइल नंबर इफ यू हैव ऑलरेडी वेरीफाई विद इन अवर रिकॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि इसको हमने पहले ही वेरीफाई कर दिया है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इसमें डालना है जिससे कि आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो 100% वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है और एक नंबर मोबाइल का, और एक यहाँ पे हमने अपना जो कैप्चा है वो भी अपडेट कर दिया, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए द मोबाइल नंबर यू हैव डज नॉट मैच विद इन अवर रिकॉर्ड, इसका मतलब ये है कि हमने जो पहला मोबाइल नंबर डाला था अपना वो वाला सही है, ये वाला, ये मोबाइल नंबर दूसरा वाला डाला है वो उसमें सही नहीं है। तो आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि आप जो नंबर डाल रहे हैं वो अगर करेक्ट होगा तभी वो वेरीफाई दिखाएगा या आपके पास ओटीपी आएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं किया तो वो उस चीज को मना कर देगा। देखिए अब आपको बताते हैं कि ईमेल आईडी भी आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आधार नंबर डाला हुआ है, आधार नंबर डाला हुआ है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, सिक्योरिटी कोड डालना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आधार नंबर डाल लिया है, ईमेल आईडी डाल ली है, कोड डाल दिया, उसके बाद सेंड ओटीपी पर हम आपको क्लिक कर देते हैं। देखिए दिस ईमेल यू हैव एंटर इज ऑलरेडी वेरीफाई विथ अवर रिकॉर्ड, यानी कि हमारी ईमेल आईडी भी हमने पहले से इसको वेरीफाई कर लिया, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर भी सही है, हमारी ईमेल आईडी भी सही है। अगर आप इसमें अपनी कोई भी ईमेल आईडी डालेंगे जो आपके रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा, पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल दी है, कैप्चा डाल के अब मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। देखिए दिस ईमेल आईडी यू हैव एंटर डज नॉट मैच विथ अवर रिकॉर्ड्स, यानी कि आपकी अगर ईमेल आईडी सही होगी तो ही वो वेरीफाई होगी, गलत होगी तो वो वेरीफाई नहीं होगी। तो ये भी आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपने जो ईमेल आईडी डाली है वो एकदम करेक्ट है और 100% सही है। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं।
आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो वीडियो में, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी मदद होगी आपके लिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे।